हाँ जी, हाँ फिल्म बहुत एकदम बढ़िया थी। बाकी एक बात है कि सज्जन ने काम अच्छा किया था। ये जो है फिल्म जो है मुझे जैसा है आदमी को जो है ऐसे करने चाहिए, भले काला हो कुछ भी हो ऐसे करने चाहिए और लाइफ में जो है आगे बढ़ने चाहिए। हाँ चेंज लाएगी नेचुरली। क्या है कि जो जो काले जो बेचारे जो लोग होते हैं तो उन्होंने जो है मेरे कह यही समझते भाई काले लोग हैं तो शादी नहीं होगी हमारी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़माने में कुछ भी है ऐसे करो। एक्टिंग कैसी लगी आयुष्मान खुराना? ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अमर कौशिक डायरेक्टर के लिए क्या बोलना? हाँ जी डायरेक्टर साहब अमर कौशिक, हाँ उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं लेकिन मैंने जो फिल्म जो बनाई एकदम बढ़िया फिल्म बनाई तो ऐसी फिल्म जो है मैंने चलेगी, लोगों को देखनी चाहिए। हाँ लोगों को देखनी चाहिए। कितने का कितने स्टार देंगे आप? 3.5। या कैसी लगी आपको? अरे बहुत बढ़िया पिक्चर है। एक्चुअली एक बहुत बढ़िया संदेश दिया गया है पिक्चर में कि अपने आप को अपने आप पे आपसे प्रेम करो। हर 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 आदमी में कुछ ना कुछ खामियां होती है और ऐसे लगता है कि समाज क्या बोलेगा उस हिसाब से वो छुपाने की और उसके ऊपर नहीं उभरने की कोशिश हो जाती है। लेकिन पिक्चर में ऐसे बताया जाए कि आप में जो भी खामियाँ हो वो आप उसको आप पहचानो और उसको एक्सेप्ट करो तो आपको आपके ऊपर समाज भी नहीं हंसेगा। एक्टिंग कैसी लगी आयुष्मान खुराना? आयुष्मान खुराना इज़ आउटस्टैंडिंग एकदम। इतनी बढ़िया एक्टिंग की है उसने, बहुत कन्विंसिंग लगता है और एक दो सीन में तो पूरा उसने जो एक अंडर प्ले किया है बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। एक्ट्रेसेस के बारे में क्या कहते हैं? यामी गौतम का काम बहुत बहुत बढ़िया किया उसने। वो जो एक मॉडर्न लड़की जो खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं जो उनके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहते हैं उस पर बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया है। और भूमि पेडनेकर का रोल भी थोड़ा अंडर प्ले किया है उसने लेकिन अच्छा किया क्योंकि उसमें से भी एक संदेश जाता है कि स्किन कलर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। स्क्रीन पे भी अच्छा है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, कभी खलासा तो मालूम नहीं पड़ता लेकिन सेकेंड पार्ट बीच में थोड़ा सा ड्रैग रहता है, एक 10 मिनट का कम कर दे तो बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती थी। अमर कौशिक का डायरेक्शन कैसा? अमर कौशिक ने बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है। उसकी पहली पिक्चर आई थी स्त्री, उसने एक अलग टाइप का जॉनर किया था, ये अलग टाइप का जॉनर है और उसमें भी उसकी जो सिनेमैटिक्स जो पकड़ रहती है बहुत ही बढ़िया है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है उसने। ओवरऑल लोगों को देखनी चाहिए कि नहीं? खास कर हर किसी ने जाके देखने चाहिए फिर फैमिली। 3.5 अच्छी फिल्म है। इट्स अ 5-star मूवी, आउटस्टैंडिंग मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एवरी सिटीजन शुड सी द मूवी, दैट इज माय ओपिनियन। डोंट मिस द मूवी एट एनी कॉस्ट। अरे आउटस्टैंडिंग, आई हैव बिकम हिज फैन नाउ। ही इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर। सॉरी भूमि एंड यमी सब सब अच्छा है, एवरी थिंग इज नाइस। डोंट आई एम आस्किंग एवरीबडी नॉट टू मिस द मूवी, दैट्स ऑल। सॉरी मैसेज मीन्स वन शुड लव वन सेल्फ, हर एक को खुद को प्यार करना चाहिए तो सब अच्छा होएगा। रेटिंग कितनी देनी चाहिए? 5-star 100% 5-star। बाला फिल्म देखी आपने, कैसी लगी? अरे बहुत सुपर सुपर हिट मूवी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा काम किया है आयुष्मान खुराना ने। एंड बेसिकली एक यूपी की जो फैमिली है एक नेचुरल मतलब उसके अंदर मूवी के अंदर फील हुआ है। और बेसिकली एक इसमें एक मैसेज है कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, आप अपने आप को चेंज ना करिए। दुनिया तो आपको हर तरीके से मतलब कमेंट मारती है लेकिन आप अगर आप खुद अपने आप को प्यार करते हैं तो आपको कोई कमेंट नहीं मार सकता है। एक्ट्रेसेस के बारे में क्या कहना है? भूमि और यमी दोनों ने काम बहुत अच्छा किया है। भूमि का काम तो एक्सेप्शनल ही है, मतलब वो हर मूवी में और अच्छा करती जा रही है। यामी एक ग्लैमरस उसमें उनको दिखाया बट एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बेसिकली जो बीच में उन्होंने सॉन्ग्स दिखाए टिकटॉक के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। मतलब एक नेचुरल मैंने बताया ना कि आपको यूपी का फील दिया है उन्होंने, हर फैमिली उनके जो किरदार हैं सब एक एक छांट के रखे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने सब किरदारों ने अपने रोल को जस्टिफाई किया है। क्या लगता है आपको ये फिल्म कोई सोशल इम्पैक्ट करने वाली है? बिल्कुल ये करेगी क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी पॉइंट्स को दिखाया गया है कि जैसे हमारे यहाँ पर सांवली लड़कियों को
मतलब उतनी लोग प्यार या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लोग बोलते हैं कि गोरा होना ज़रूरी है, जबकि एक सांवली लड़की भी एक अच्छी लाइफ जी सकती है और लाइफ में आगे बढ़ के कॉम्पीट कर सकती है अपने नॉर्मल लड़कियों से, तो वो काफ़ी अच्छे से दिखाया है। मैं 3.5 दूंगा। रेडी? बाला देख के कैसे लगे? बस हम थोड़ी देर पहले अभी बाला देख के आए हैं और बस आई थिंक कम शब्दों में तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। आई थिंक इसी थीम को लेके एक कुछ दिनों पहले एक और एक फिल्म आई थी, बट उस फिल्म का जो ह्यूमर का जो लेवल है और इसके ह्यूमर लेवल में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई थिंक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उजड़ा चमन, बट जो बाला में जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमर है दैट इज़ समथिंग 10 नॉचेज हायर। और आई थिंक जो सबसे खासियत है इस फिल्म की वो है राइटिंग की, और जो इसमें नेचुरल ह्यूमर है और जिस तरीके से सभी एक्टर्स लाइक आयुष्मान खुराना, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी हिज 7th सक्सेसिव हिट। लाइक आई थिंक उनकी जो खास बात ये है कि वो यूपी के कैरेक्टर्स काफ़ी प्ले कर चुके हैं 3-4 फिल्मों में, बट हर बार वो अपने आप को री इन्वेंट करते हैं हर एक फिल्म के साथ, हर एक किरदार के साथ। और इस फिल्म में जो एक शुरू में जो एक गंजे आदमी की जो इनसिक्योरिटीज़ है वो उसे निकालने में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो इनसिक्योरिटीज़ दिखती है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है। और देखिए भूमि का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक वो जो एक सांवली लड़की का किरदार प्ले कर रही हैं और इस कैरेक्टर द्वारा आई थिंक वो एक मैसेज देती हैं कि सभी चाहे वो लड़की हो या मेल हो कि आपको अपने रंग जो है आई थिंक अपने आप को आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है इस स्टोरी में आई थिंक, जिसके बारे में लोग जब फिल्म देखने जाएंगे तो वो बेहतर आई थिंक खुद ही देख लेंगे। और यामी का भी मैं कहूँगा एक इंटरेस्टिंग उनका जो कैरेक्टर है, और आई थिंक उस कैरेक्टर के लिए थोड़ा एक ओवर एक्टिंग करना ज़रूरी थी, और आई थिंक उस चीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छा ओवर एक्ट किया है जो कि एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट थी। बट ओवरऑल मैं वही कहूँगा कि आई थिंक इस फिल्म का जो ह्यूमर है, नेचुरल ह्यूमर है, वो इसकी USP है। आई थिंक अमर कौशिक जी वही है, आई थिंक स्त्री में उन्होंने हमको दिखाया कि वो कैसे अच्छे एक प्रॉमिसिंग डायरेक्टर के है वो। और इस फिल्म में ऑब्वियसली आई थिंक ये जो स्क्रिप्ट है वो एक एक्वायर्ड स्क्रिप्ट है, बट उनका जो डायरेक्शन है आई थिंक मैं कहूँगा स्त्री से थोड़ा ये स्त्री से भी उन्होंने एक बेहतरीन डायरेक्शन दिखाई है, क्योंकि ये एक कॉमन थीम है और आई थिंक इस सब्जेक्ट को आई थिंक थोड़ा एक रिफ्रेशिंग तरीके में दिखाना, तो आई थिंक वो इस फिल्म की खासियत है। और डेफिनेटली आई एम श्योर दैट आई थिंक अमर कौशिक ये उनकी शायद लगातार दूसरी हिट होने वाली है। इसे मैं आराम 5 में से बिल आई थिंक 4 देना चाहूँगा। हाँ जी, मैंने बाला देखी जाए तो मतलब बहुत एक अच्छी फिल्म है, जिसमें ये बताया गया है कि यार कि आप किसी भी कंडीशन में हो खुद से प्यार कर रहे हो, तो जैसे भी हैं वैसे रहिए और खुद से प्यार कीजिए। बाला का कहना क्या मतलब ये? हाँ जी, अरे यार आयुष्मान ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है जिस तरीके से हमने बाला देखी है। सो उन्होंने फिल्म के अंदर उन्होंने यही मैसेज दिया है कि आप जैसे हैं खुद में वैसे रहिए और खुद से प्यार करिए। अरे सुपर यार, यामी गौतम ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड भूमि की अगर बात करिए तो भूमि तो है ही सुपर एक्टर, उनकी जितनी तारीफ करी जाए फिल्म के अंदर उतनी कम है। उन्होंने एक जिस तरीके से सांवली लड़की का एक कैरेक्टर उन्होंने किया है, जिस तरीके से आप सब देख सकते हैं ट्रेलर के अंदर, तो लेकिन उन्होंने बखूबी उसको निभाया, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अरे सर वो तो सुपर भी है, जिस तरीके से आपको बताया कि स्त्री के बाद में आप सभी जानते हैं उनकी, और वो काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत सारा जो क्रेडिट जाता है फिल्म का उन्हीं को जाता है। फिल्म को कितने स्टार? यार मैं फिल्म को देना चाहूँगा 4